30 की उम्र के बाद हो सकता है आप पहले जितना ही खा रहे हो, फिर भी आपका वजन बढ़ रहा है और आप चाहकर भी इसे आसानी से कम नहीं कर पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप भी कमेंट बॉक्स में वीडियो टॉपिक के लिए अपना सजेशंस दे सकते हो। फीमेल्स में 30 की उम्र के बाद बढ़ता वजन एक बड़ी समस्या है और इसके मुख्य दो कारण होते हैं। एक होता है एजिंग यानी बढ़ती हुई उम्र, और दूसरा होता है मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज की वजह से, जो कि नॉर्मली 40s में होता है लेकिन कई केसेस में 30s यानी 30 की उम्र के बाद भी हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज में वजन आपका क्यों बढ़ता है और किन बातों को ध्यान में रखकर आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी वेट लॉस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेनोपॉज में आपके शरीर के रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बनना धीरे धीरे कम होके बंद हो जाता है और इस दौरान आपका फैट स्टोरेज बेली एरिया में ज़्यादा होने लगता है। आइए जानते हैं कि एजिंग के अलावा मेनोपॉज आपका वजन बढ़ाने में कैसी भूमिका निभाता है। इसके चार मुख्य कारण होते हैं। ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाने से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है जिसकी वजह से आपका फैट स्टोरेज ज़्यादा होने लगता है। एजिंग और ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाने की वजह से धीरे धीरे आपका मसल मास कम होने लगता है। इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाता है, यानी आप पहले जो काम करते थे वही काम करने में अब पहले के मुकाबले कम कैलोरीज खर्च होती है और इस वजह से कम कैलोरीज खर्च होने की वजह से आपका फैट स्टोरेज बढ़ता है। इन हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके स्लीप का पैटर्न भी बिगड़ता है, यानी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, यह भी वेट गेन का एक कारण बनती है। और इन्हीं हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं और आपको स्ट्रेस भी होता है, जो कि अगेन आपके वेट गेन का कारण बनता है। अब जानिए 15 लाइफस्टाइल चेंजेस जिन्हें आजमा कर आप 30 के बाद मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज के दौरान भी आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं और आसानी से उस वज़न को मेंटेन भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट तो करना ही होगा, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि 500 कैलोरीज पर डे से ज़्यादा का डेफिसिट ना करें। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सिंपल कैलोरी डेफिसिट लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो आपका शरीर आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे एडजस्ट कर देगा यानी स्लो कर देगा, इसलिए आपको फॉलो करना होगा कार्ब साइक्लिंग। इसे फॉलो करके आप लंबे समय तक कैलोरी डेफिसिट में रहकर अपना वेट लूज कर सकते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म भी कम नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसे काउंटर करने के लिए आप शक्कर का प्रयोग कम से कम करेंगे और रिफाइंड कार्ब भी आपको कम लेना है, यानी आप मीठी चीज़ का प्रयोग बिल्कुल ही कम कर देंगे और मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे ब्रेड, बिस्किट, कुकीज़, केक, समोसा, भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर एट्सेट्रा, इनका प्रयोग आप कम से कम कर देंगे। इनके स्थान पर आप लिमिटेड मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब का प्रयोग करेंगे जैसे कि ओट्स और स्वीट पोटैटो। आप अपने डाइट में वाइट राइस और व्हीट यानी गेहूं का प्रयोग भी कर सकते हैं। आपको फाइबरस कार्ब्स का प्रयोग कम नहीं करना है, यानी आपको अपने डाइट में सब्जियां, सैलेड और कम मीठे फलों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में करते रहना है। आपको हेल्दी फैट्स का कंजम्पशन करना चाहिए जैसे गाय का देसी घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, इनका प्रयोग आप 2 टीस्पून डेली तक कर सकते हैं। यह आपके हार्मोनल लेवल को सही रखने में काफ़ी मदद करेगा। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी कंजम्पशन करते रहना है। इसके लिए आप फिश ऑयल कैप्सूल ले सकते हैं या आप चाहें तो कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल भी ले सकते हैं। वेजिटेरियंस के लिए वॉलनट या फ्लैक्स सीड एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। 8 घंटे की एक अच्छी नींद यानी गुड नाइट स्लीप आपको वेट लॉस के लिए बेहद आवश्यक होती है।
इसके लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। आपको स्ट्रेस फ्री भी रहना होगा। स्ट्रेस के साथ वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आपको हमेशा खुश रहना होगा। इसके लिए आप रोज़ अपनी पसंद का कोई ना कोई काम ज़रूर करें, जैसे आप अपनी कोई हॉबी भी परस्यू कर सकते हैं, या आप अपनी कोई फेवरेट फिल्म देख लें, या अपना कोई फेवरेट टीवी सीरियल ही देख लें। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग करके आप अपना मसल मास, बोन डेंसिटी, मेटाबॉलिज्म बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ ये आपके मूड को भी बेहतर रखता है। यह आपके कई हॉर्मोन्स का लेवल सुधार कर आपको फैट लॉस में काफ़ी मदद करता है, इसलिए फैट लॉस के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक बेहद ज़रूरी ऑप्शन है, जिसे आपको फैट लॉस या वेट लॉस के लिए ज़रूर आजमाना चाहिए, और आपको यह भविष्य में भी हेल्दी रखने के लिए एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। प्रोटीन रिच फूड्स ले, अपने डाइट में 25-30% कैलोरी आपको प्रोटीन से लेनी चाहिए वेट लॉस के लिए। आपको बहुत जल्द बहुत अच्छे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। आप अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, यानी आपको करीब 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना ही है। आपको ग्रीन टी लेना चाहिए, इसमें मौजूद कैफीन और EGCG आपके फैट बर्न करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसे आप एज ए प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं। बिना शक्कर या कम शक्कर के साथ लेना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सनसेट के बाद इसे न लें, अन्यथा ये आपके स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकती है। एक दिन में 2 बार ग्रीन टी लेना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। आपको स्पाइसी फूड्स खाने अवॉइड करने चाहिए। आप चाहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आजमा सकते हैं, यह भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको अपना फिजिकल एक्टिविटी लेवल बढ़ाना होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कार्डियो ना करें, क्योंकि वेट लॉस में आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होता है, और कैलोरी डेफिसिट में अगर आप बहुत ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा मसल लॉस भी होगा, और चूंकि मसल मास का वज़न फैट मास से ज़्यादा होता है, इसलिए वेइंग स्केल में आपको यह दिखेगा कि आपका वेट काफ़ी कम हो रहा है। इस प्रकार मिले रिजल्ट से आप बेहद खुश होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा माई फिटनेस पाल ऐप की मदद से कैलोरी काउंट करने, आसानी से कैलोरी डेफिसिट में रहने और अपना डाइट प्लान बनाने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने आज के वीडियो में जितने भी वीडियोस का जिक्र किया है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो देखकर आप मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज की वजह से बढ़े हुए वजन को आप आसानी से कम कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने फीडबैक्स और डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।